वसई के वालियों में देसी रिवॉल्वर के साथ आजमगढ़ के दो लोग गिरफ्तार हुए। आपको बता दें, वालू पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा की टीम ने देसी रिवॉल्वर व जिंदा कारतूस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के लालगंज क्षेत्र के निवासी हैं, जो टुंगार फाटा में असलहे की खरीद बिक्री करने आए थे। वाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुंबई अहमदाबाद महामार्ग के तुंगारफाटा क्षेत्र में दो व्यक्ति देसी रिवॉल्वर खरीद बिक्री के लिए आने वाले हैं। सूचना की जांच के बाद कार्रवाई करने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराज रनौरे ने अपराध शाखा के अधिकारी पुलिस निरीक्षक सचिन सानप व उनकी टीम को दिया था। टीम ने तुरंत स्थान पर जाल बिछाकर दो संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उनकी पहचान सत्यप्रकाश रामबच्चन यादव, जिसकी उम्र 24 साल है, और धीरेंद्र लोदई पाल, जिसकी उम्र 28 साल है। इन दोनों निवासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों की तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक देसी रिवॉल्वर, दो जिंदा कारतूस व खोखा बरामद किया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार में।